विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर इतनी दहशत है कि खुद मृत्यु के देवता यमराज भी कोरोना टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। जी हां, सुनकर भले ही आप चौंक गए हैं, लेकिन ये सच है। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का है, जहां कोरोना काल में यमराज का गेटअप धारण कर आम जनता की रक्षा करने वाले कांस्टेबल जवाहर सिंह जादव बुधवार को कोरोना टीका लगवाने भी यमराज के रूप में पहुंचे। इंदौर शहर में भले ही अब कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंदौर शहर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाई, वहीं आम जनता के लिए पुलिस ने कई जागरूकता अभियान भी चलाए थे, जिसमें खास तौर पर इंदौर के MG रोड थाने पर पदस्थ जवाहर सिंह जादौन यमराज का रूप धारण कर आम जनता को घरों में रहने की समझाइश दी थी। वहीं कोरोना वैक्सीन आने के बाद जवाहर सिंह जादौन एक बार फिर यमराज बनकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना का टीका लगाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश में बनाई कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, किसी भी भ्रम में ना आकर सभी कोरोना टीका जरूर लगाएं, ताकि जल्द ही विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देश से बाहर किया जा सके। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना नाम की जो महामारी हमारे देश में, हमारे शहर में, इंदौर शहर में फैल रही है, अब जो है उस पर जाके लगाम लगी है। इसके लिए मैं और शहरवासियों को और देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोग ये कोरोना का वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराना है। भ्रांतियाँ जो आ रही हैं उस पर ध्यान ना देते हुए सभी लोग वैक्सीन लगाएं। आज मैंने भी वैक्सीन लगाई है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को, शासन को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इसी के चलते आरक्षक जवाहर सिंह जादौन उन कोरोना टीका लगवाने पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से निडर होकर कोरोना टीका लगवाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।